गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग कल अध्याय वन का यानी संख्याओं के समझ का ठीक है हम लोग पढ़े थे, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, तो जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है, इसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद ग्रुप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ग्रुप की तरफ लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। ठीक है, प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। इस पद्धति में इकाई, दहाई, सौ, क्रमांक है हजार और इसके बाद का जो संख्या आता है उसे मिलियन एवं बिलियन में पढ़ा जाता है या उसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया 508 क्रमांक 432 क्रमांक 561। देखिए इसकी क्या है, ध्यान दीजिए इसको कैसे पढ़ना है। तो क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या का तौर पर लिखा गया संख्या, ठीक है, न कि भारतीय लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है, ये लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति रूप में लिखा गया है ये संख्या। और इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, पढ़ेगा 508 मिलियन यानी 508 मिलियन 432 हजार 561। कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं जी, तो 508 मिलियन 432 हजार 561। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक दाएं तरफ से अल्प विराम होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं अल्प विराम या इसे कमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अल्प विराम या कमा भी कहते हैं इसे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाएं तरफ से प्रत्येक तीन अंक के बाद लगाया जाता है। देखिए यहाँ बोला है एक दो तीन अंक के बाद लगा है, फिर एक दो तीन अंक के बाद लगा है, एक दो तीन अंक के बाद है। ठीक है, तो इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाएं तरफ से प्रत्येक तीन अंक के बाद इसको लगाया जाता है, इस चीज को यानी अल्पविराम। ठीक है, और कैसे पढ़ते हैं जी, तो 508 मिलियन 432 हजार 561। ठीक है, ये रहा अपना अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसके एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, सुनो कीजिए हम लोग। देखिए प्रश्नावली 1.1 का विषय हेडिंग है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, क्या क्या पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरना है, इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को लिखा है बोर्ड पे, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन का हेडिंग है रिक्त स्थानों को भरिए यानी खाली स्थानों को भरना।
रिक्त स्थानों को भरी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन क्या है जी। एक हमें क्वेश्चन दिया है, 1,10,000 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यानी बी नंबर है, 1,000,000 1,000,000 बराबर निकाल 100,000 क्या है जी। 1,000,000 बराबर 100,000 सी नंबर है, 1,00,00,000 1,00,00,000 बराबर 10,10,000 तो लिखा है 10,00,000 नंबर है, 1,00,00,000 1,00,00,000 बराबर तो लिखा है 10,10,000,000 मिलियन। और लास्ट का है ई नंबर, 1,000,000 1,000,000 बराबर 10,10,000 ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है एक नंबर, इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखा गया कि 1,00,000 बराबर यानी 1,00,000 जो है कितने के बराबर है, 10,000 ठीक है। 1,00,000 जो है स्पेस कितने के बराबर है, 10,000 है। क्या लिखा है आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसको समझिए। यहाँ पे लिखा गया कि 10,00,000 बराबर क्या होता है, 1,000,000 क्या होता है जी, 10,000 क्या होता है, 1,000,000 ठीक है। फर्स्ट लिखा गया है 1,00,00,000 क्या होता है, 1,00,00,000 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ 10,00,000 क्या होता है, 1,000,000 तो यहाँ क्या होगा, 1,00,00,000 बराबर क्या होगा जी, यहाँ 10,00,000 किसके बराबर है, 10,00,000 का 1,000,000 के बराबर है। तो ये तो क्या होगा जी, होगा 10,00,000 क्या होगा, 10,000,000 समझिए। 10,00,000 बराबर क्या है जी, 1,000,000 हाँ जी, जो 10,00,000 है वो क्या है, 1,000,000 के बराबर है। और यहाँ पूछा गया है कि 1,00,00,000 बराबर कितना मिलियन होगा जी, तो 1,000,000 कितना है, 1,000,000 बराबर कितना है, 10,00,000 है। तो 10,00,000 कितना होगा, 10,00,000 यानी क्या भाई, 10,00,000 होगा तो क्या भाई, 1,00,00,000 होगा यानी क्या भाई, ये 10,00,000 होगा क्या भाई, 1,00,00,000 के बराबर होगा यानी 1,000,000 में कितना है, तो 10,00,000 तो 10,00,000 कितना होगा जी, 10,00,000 100 यानी 100,00,000 होगा क्या होगा, 1,00,00,000 यानी क्या होगा, ये 10,000,000 ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है 10,00,000 बराबर 10,00,000,000 बराबर लिखा है 1,100,000,000 सॉरी 100,000,000 100,000,000 इसको समझिए, लिखा है 10,00,000 बराबर 100,000,000 और यहां ध्यान दे सकते हैं
संख्या संख्या कितनी 10 लाख संख्या 1 मिलियन है, यानी 10 लाख किसके बराबर है जी, अब 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है, क्लियर। और ये कौन क्या है तो 10 मिलियन के बराबर है, कैसे है जी, एक मिलियन कितना लाख है तो 10 लाख है, तो 10 लाख कितना बचे 10 मिलियन में, 10 यहाँ 100, 100 क्या होगा 100 लाख होगा, 100 क्या होता है 1 करोड़, क्या होता है 100 बराबर 1 करोड़, यानी 1 करोड़ 20 बराबर है तो 10 मिलियन के बराबर है। और फिर आप पूछा है कि 10 करोड़ 20 बराबर है जी, तो 1 करोड़ कितने मिलियन है जी 10 मिलियन, क्या है 1 करोड़ कितने मिलियन है तो 10 मिलियन, तो 10 करोड़ कितना है 10 करोड़ 10 यहाँ 100 मिलियन, ठीक है 1 करोड़ कितना मिलियन है तो 10 मिलियन, तो 10 करोड़ कितना होगा 10 करोड़ में 10 यहाँ 100 मिलियन होगा 10 करोड़ में, ठीक है। चलिए चौथा से आपको दिया है 1 अरब बराबर, यानी 1 अरब बराबर दिया है 1 मिलियन, यानी 1 अरब क्या होता है जी, और यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है 1 अरब बराबर, यानी 1 यानी क्या गया 10 करोड़ क्या है जी 1,100 मिलियन है, पूछा गया कि 1 अरब क्या होगा, उसमें क्या होगा गुणा कितना होगा जी, यहाँ बोलिएगा यानी 1,000 क्या होगा आपका 1,000 मिलियन अर्थात 1 बिलियन होगा, ठीक है क्या होगा जी 100 ट्रिलियन, इसमें 100 बिलियन और जो क्या आपका हो जाएगा इसमें 100 करोड़ बराबर, तो ये क्या होगा जी 100 करोड़ होगा, क्या होगा 1 करोड़ बराबर 100 करोड़, और इसमें क्या पूछा है जी बिलियन में क्या होगा जी 100 गुने 10 और क्या हो जाएगा 1,000 और क्या होगा जी 1 बिलियन होगा, बिलियन 1 बिलियन, ठीक है, यानी फिर समझिए इसको 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ क्या होगा 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन और 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन और 1 करोड़ बराबर 100 करोड़ यानी 1 बिलियन। चलिए अब समान भरना है, क्या पूछा है कि 1 लाख और क्या होगा यानी 10 क्या होगा 1,000 क्या होगा 1 लाख बराबर 10,000 ये लिखा है क्वेश्चन में जी, हाँ ठीक है लिखा है। फिर पूछा है 1 मिलियन बराबर क्या होगा जी क्या होगा 10,000 होगा, क्या होगा जी 10,000 यानी 1 मिलियन क्या होगा जी तो 10,000 यानी क्या होगा जी 1,000 क्या होगा 100,000 यानी क्या होगा जी 10,000 क्या होगा 1 मिलियन के बराबर होगा, जो पार्टी दिखाया गया है 1 मिलियन यहाँ दिखाया गया है। और सी नंबर है 1 करोड़, इधर 1 करोड़ बराबर 10 लाख, इसमें क्या होगा जी 1 करोड़ का क्या होगा 10 मिलियन क्या होगा 10 मिलियन, ऐसे क्या पूछा है 1 मिलियन का क्या होगा जी 10 लाख, इधर क्या है 1 मिलियन और क्या है जी 10 लाख, क्या है 1 मिलियन और क्या है जी 10 लाख, लिखा गया था 1 मिलियन बराबर 10 लाख, दूसरा क्या है 1 करोड़ क्या है 10 मिलियन, लिखा गया था 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, तीसरा क्या है 1 करोड़ बराबर 10 लाख यानी 1 करोड़ क्या है जी 10 करोड़, लिखा गया 10 करोड़ क्या है 1 मिलियन है, 10 करोड़ क्या जी 10 करोड़ बराबर अपन लिखा क्या है 100 मिलियन, 100 मिलियन और संख्या पूछ रहा है अब तो पूछ रहा है 1 करोड़ कितना 10 लाख, ये गुना का ठीक है ये हटेगा क्या जाएगा भाग में पड़ जाएगा 10 बढ़िया 100 कितना जाएगा जी बराबर जाएगा 10 क्या होगा 10
लाख, ठीक है, यहाँ पर सारा लिखा गया है। लिखा गया बी नंबर, एक मिलियन बराबर दस सौ हजार, यानी एक मिलियन बराबर क्या है दस सौ हजार, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी क्या गया कि एक करोड़ बराबर दस मिलियन, ठीक है, एक करोड़ कितना बराबर है तो आपको एक करोड़ बराबर है दस मिलियन का, और एक मिलियन कितना लाख है जी दस लाख है, तो यहाँ लिखा गया है कि दस मिलियन कितना होगा, दस मिलियन में दस यहाँ सौ लाख होगा, और यहाँ पूछा गया है एक मिलियन और क्या होगा दस सौ हजार, यानी क्या होगा जी दस सौ हजार क्या होता है एक करोड़, ठीक है, यहाँ दस सौ हजार का क्या होता है जी एक करोड़, ठीक है, और ये लिखा गया है दस हजार क्या होगा एक लाख नंबर दस हजार, यानी क्या होगा एक लाख क्या होता है एक लाख क्या होता है क्या होता है दस हजार, यानी क्या लिखा गया एक लाख बराबर दस हजार, यानी ये बराबर दस गुने सौ हजार एक हजार, अब ये क्या होगा एक हजार जो है इसका मान होगा दस का एक लाख का दस हजार होगा इसका, ठीक है, समय लिखना है लिखना है ये इसके चार से लिखना है, फिर बात क्वेश्चन नंबर एक पढ़ लिए और अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर दो और तीन, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।